इंतजार है इसे अपने एनआरआई पति का, जिसे इसने इसी प्लेटफॉर्म पर आखिरी बार जाते देखा था। इस वायदे के साथ कि वो लौट कर आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। इसे लगा जैसे उसके इस इंतजार का सिलसिला कुछ ही दिनों का है, लेकिन यह सिलसिला कब दिनों से महीनों में और कब महीनों से सालों में बदल गया, इसका एहसास ही नहीं हो पाया इसे। आज पूरे 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसका सुहाग लौट कर वापस ना आया। पर फिर भी उम्मीद का दामन थामे हुए वो आज भी इसी प्लेटफॉर्म पर उसका इंतजार कर रही है। तेरा नाम है अधारा, तेरा नाम है अधारा, तेरा नाम है अधारा, तेरा नाम है अधारा, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ संगत जी, आज गुरपुरब दे दिन हर साल की तरह इस साल भी हमारे पिंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छबील लगाई है। आप सबनों बेनती है छबील सके पूरे पिंड अज गुरपुरब इस तरह मनाया जाएगा। इसलिए साध संगत को बेनती है कि सूरज ढलन तो पहला ज़्यादा तो ज़्यादा सेवा करें, ज़्यादा तो ज़्यादा पुन कमाएं। बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल श्री अकाल। गुरुद्वारे वाली सेवा तो हो गई, अब घर जाकर ना छबील वाली सेवा भी पूरी करनी है। तू ही कर, मुझसे नहीं होनी सेवा शेवा। मुझे ना अपने नवे वाले सूट पे कढ़ाई का काम पूरा करना है। कल किला रायपुर के खेल शुरू होने वाले हैं ना, कल मैंने ओयो सूट पाके जाना है। कमलीना बन, सुना नहीं गुरुद्वारे वाले भाई जी ने क्या कहा था? हम जितनी सेवा करेंगे ना गुरु साहब नू उतनी ठंडक पहुँचनी है। ना तू है ना गुरु साहब नू ठंड पहुँचाने के लिए, थोड़ी सी मेरी तरफ से भी कर दियो प्लीज। तुझे तो बस बहाना चाहिए कोई काम ना करने का। यहाँ तो चाची जी ने तुझे सर पर चढ़ाया, पर ब्याह के बाद ससुराल जाकर ना तूने खुद भी दुखी होना है और बाकियों को भी दुखी करना है। वहाँ तो तेनू काम करना ही पौगा ना। ओए, ना ससुराल में काम करेगी मेरी जुत्ती, मैंने तो ब्याह ही उस घर में करना है जहाँ घर के मेम्बरों से ज्यादा ना नौकर जाकर होने। मैंने सज्जा हाथ उठाना है ना तो दो चार नौकरानियों ने दौड़े चले आने और कहना, क्या गजब करते हो बीबी जी, हमारे होते हुए आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत है। और जब मैंने खब्बा पैर उठाना है ना तो तीन चार नौकरों ने ना दौड़े चले आने, कहना है रज्जी बीबी जी हमारे होते हुए आपको चलने की क्या जरूरत है, हुक्म करो हमने सब कुछ यही ले आना है आपके लिए चक्कर। और जब भूख लगनी है ना तो तेरी नौकरानियों ने कहना है आप तकलीफ क्यों करते हो रज्जी बहन जी, आपकी जगह हम खाना खा लेते हैं, रख ले नीचे, चल चल अपनी साइकिल उठा और घर चल, यहाँ किसी ने नहीं आना तेरे पैडल मारने। ना तू मुझे आलसी समझती है ना गुरबानी, तो चल ठीक है रेस हो जाए घर के पास वाली सड़क तक। ना ना मेरे पास टाइम नहीं है तेरे से खेल खेलने को, आज मुझे घर जल्दी जाना है। साफ क्यों नहीं कहती कि तू डर गई? अरे वैसे भी अगर रेस लगाएगी ना तो घर जल्दी पहुंच जाएगी। ये बात है तो हो जाए फिर, हो जाए। देखा मुझे पता था ना तूने जीतना और ना मैंने हारना है। आई बड़ी ध्यान से देख, मेरी साइकिल का चक्कर ना तेरी साइकिल के चक्के से इतना ज्यादा आगे है, इतना ज्यादा। तेरे को पता है पीटी उषा भी ना एक सेकंड के 100 वेस्ट से हारी थी। बस बस सहन दे, चल अब अपने अपने घर जाने का टाइम आ गया।
चांद जमीन से कैसे निकला? ध्यान नाल देखो बीजी, अभी तो सूरज को निकले भी ज्यादा देर नहीं हुई है और आप चांद की बातें कर रहे हो। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आज चांद और सूरज एक साथ कैसे निकले। मैंने तुम दोनों को साथ साथ आते देखा वहाँ से। हाँ क्यों गुरबानी पुत्र, की गल है? वो बीजी वो क्या है ना, वो हम ना भटक कटक के क्यों बोल रही है? पहले तो बड़ा मटक मटक के मेरे पीछे आ रही थी। बीजी समझा लो अपनी इस लाडली पोती को, जहाँ भी मैं जाती हूँ ना मेरे पीछे पीछे आ जाती है नकलची बंदर। बीजी मेरी तरफ से ना आप ही समझा दो अपनी पोती को कि मुझे किसी का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इतना ही डर लगता है ना तो मुझसे दूर ही रहे। ना मैंने तेरे को क्या एप्लीकेशन लिख के भेजी थी मेरे पास आने के लिए? ओए बस करो बस करो, बंद करो रोला पाना, अब छेती करो अपनी साइकिल रख के चलो छबील पे। तुम लोगों की माँ सामान लेके पहुँच गई है अपने अपनी छबील पे, चलो। जी बीजी। पता नहीं तेरी माँ ते चाची नू कब अक्ल आनी है, इस बार भी दोनों ने अपनी अपनी छबील लगा दी, जैसे छबील गुरु की सेवा के लिए ना होए। बस ये देखना कि कौन जीतता है। अरे हमारे गुरुओं ने सारी दुनिया नू एक करण वास्ते कुर्बानियां दे, और यहाँ देखो एक ही कार में रह के दोनों भाई अपनी अलग अलग संसार बसा लिया, और ये मरजानी दीवार मेरी छाती पे खड़ी कर दी। ओए मैं तो गल करते करते अंदर आ गई, वैसे मैं जा कहाँ रही सी? कोई पहली बार थोड़ी है बीजी, आपका तो कुछ याद ही नहीं रहता। ओए चुप कर मर जाने, मैनू बता मैं जा कहाँ रही सी? रसोई में आलू उबालने जैसी। अच्छा चलो बीजी, अब बाहर अपनी दोनों बहुओं की छबील के पास जा रहे थे। हाँ देशो ते बिंदर देखो, तू मेरे को पहले क्यों नहीं बताया तूने? हाँ मैं बात करते करते अंदर आ गई, और मेरे को तुम भुलक्कड़ कहते हो। देखो तो हैप्पी जस्सी छेती करो बाहर जाना है, मम्मी जी सवेर दे केले लगे हुए हैं। हैप्पी चल, पीजी भी केले चले गए, चल हैप्पी रुमाल बांध जल्दी सिर पे। सतनाम श्री वाहेगुरु। हेलो जी, शरबत पी लो। सतसिकाल जी। सतसिकाल जी। हेलो जी, सरबजीत सिंह जी दी छबील का ठंडा और मीठा शरबत पियो जी पियो। ओ आओ जी निर्बल सिंह की छबील की सेवा का भी चख लो जी, ठंड पड़ जाएगी गले जेब में। जी लो जी लो। आओ जी आओ जी, शरबत पियो जी शरबत। हाँ जी हाँ जी, आ लो ये ले जल्दी से। लो जी आओ जी आओ जी, प्रसाद लो जी प्रसाद। अरे बानी पुत्र इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ आज तो गुरुपुरब का दिन है, आज तो वेले से आना चाहिए था ना। तुम्हें तो पता है सूरज ढलने से पहले हमारे सारे बर्तन लग जाने चाहिए, नहीं तो पुत्र हमारी सेवा नहीं लगनी ना। आओ जी ठंडा मीठा पानी लो जी, वाहेगुरु जी का प्रसाद लो जी। गुरबानी पुत्र छेती छेती गिलास भरो, छेती छेती बस आ रही है, उनके पहुंचने से पहले हमने पहुंच जाना वहां पे। छेती करो पुत्र छेती करो। गिलास दे जल्दी गिलास दे गिलास। माई बस कर, गाड़ी ने आके बठिंडे भी जाना है, यहीं नहीं बैठे रहना तेरी सेवा के लिए। पाजी बस, हाँ जी हाँ जी, दो मिनट बस, देरी नहीं होगी, देरी नहीं। ग्लास ला, ग्लास ला।
दे रही हैं जी, दे रही हैं। हाँ आला जी, आला जी, आला जी। मौका मिला नहीं, आगे मौके का फायदा उठाने। भी जब एक बार तय हो गया था, जो गड्डी तुम रोकोगे वो तुम्हारी और जो हम रोकेंगे वो हमारी, तो क्या जरूरत थी टब्बर को लेके वहाँ पहुँचने की? वड्डी आई चौधरी है। अजय जी क्या बोल रहे हैं, मैं तो इसलिए आई थी कि आप ताकि हमें जलील कर सके, बता सके सबको कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो कुछ कर रहे हो तुम ही लोग कर रहे हो हमारे लिए, वो भी आज से नहीं पिछले 22 सालों से। बस करो प्रजय जी, ये बार बार पुरानी बातें बीच में क्यों ले आते हो? पुरानी बातें पुरानी होंगी तुम लोगों के लिए, हमारे तो जख्म अभी भी ताजे हैं। 22 सालों में आपकी दिल की भड़ास नहीं निकली जो आज भी आप हमारे पीछे पड़े हो? कब तक हमें यूं ही सुनाते रहोगे? जिंदगी भर निर्वैल, जिंदगी भर सुनाती रहूंगी, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ना हम लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हुई। आपको रब दा वास्ता प्रजय जी, बंद करो ये झूठे सच्चे इल्जाम लगाने। अच्छा अब हम झूठे भी हो गए? क्या ये भी झूठ है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपने बच्चों से ज्यादा समझा? क्या ये भी झूठ है मैंने अपने बेटे की तरह तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा? क्या ये भी झूठ है कि तेरे पराजी ने अपनी जगह पे तुम्हें कनाडा भेजा ताकि तू तरक्की कर सके? लेकिन तू हम सबके सपने चकना चूर करके वापस आ गया, निर्वैल वापस आ गया। तो खून ही कर दो ना मेरा, फांसी लगा दो मेरे को। 22 सालों से रोज ताने मार मार के आप जान ले रहे हो मेरी। मैंने कहा था मुझे कनाडा भेजो हैं? मैंने कहा था? आप लोगों को लगा था कि अगर मैं कनाडा जाऊंगा तो सब लोगों का भला होगा, और मैं भी यही चाहता था, लेकिन क्या करूं अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करूं? सब कुछ बंदे के हाथ में नहीं होता, रब की भी कोई मर्जी होती है पापी जी। ओए रब की मर्जी नहीं, इस मर जाने की मर्जी थी ना, तो इसके साथ ब्याह करा के आता और ना ये बखेड़ा खड़ा होना था। प्रजय जी बस, बिंदर के बारे में आपने एक शब्द भी और बोला तो की करेगा? हाँ की करेगा, और की करेगा तू बता मुझे जरा? मारेगा, हाथ उठाएगा, अपनी माँ वर्गी परजाई पे हाथ उठाएगा? चल निर्वैल, ये दिल का अरमान भी कर ले पूरा, मार मार मुझे, मम्मी हाथ बस मुझे। करो बस। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, वो भी सड़क पे? पर्ची एक शब्द और नहीं, देखो चलो घर, चलो चलो चलो। चलिए ना, छोड़िए ये सब। ओ जी क्या तमाशा लगा रखा है, चल जी चलो उधर चलो। ओ जी चलो यहाँ से। गिलास जरूर हमारे थे, पर मम्मी जी ने शरबत ना तुम लोगों की छबील से लिया था ताकि तुम्हारी सेवा पहले पूरी हो। हाय रब्बा, कब खत्म होना है ये सब? मेरे जीते जी के मरने के बाद भाई तमाशा मैंने नहीं,
तमाशा उन्होंने शुरू किया था। जब हम सेवा कर रहे थे तो उनको टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? देशो वो टांग नहीं अड़ा रहे होंगे, तेरी मदद करना चाहते होंगे। पर जरूरत ही क्या थी जाके उनकी मदद करने की? तुझे पता हो तो वो गलत ही समझेंगे, तुझे जलील करेंगे, फिर तू गई ही क्यों? और क्या मिला तुझे मदद करके? हैं? उनके ताने जो पिछले 22 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। आप कहते हो कि जो बीत गया सो बीत गया, पर मेरी आंखों के आगे तो आज भी वैसे का वैसा ही सब कुछ घूम रहा है। इतनी गर्मी में जब खेतों में आपको मेहनत करते देखती हूँ ना, तो सहा नहीं जाता। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों की बजाय जब सरकारी स्कूलों कॉलेजों में देखती हूँ ना, तो कलेजे पर छुरियां चलती हैं। बीजी को भी कोई सुख नहीं दे पाए हम लोग, और ये सब किसकी वजह से हुआ? इस निर्वेल की वजह से। सब मेरे कारण हो रहा है, मैं तो इस बारे में पता भी नहीं था। जे मैंने पता होता तो मैं कभी इंडिया आके रहने की जिद ना करती, वहीं पे बस जाते हम लोग। हमसे गए गुजरे लोग अमेरिका कनाडा जाकर बैठे हैं, महलों जैसे घर बना लिए हैं उन्होंने अपने पिंड में, और हम इसको अपना महल कहते हैं। जिसका दाना पानी जहां लिखा होता है ना, वो वहीं रहता है। आपको भी मौका मिला था ना वहां जाने का, आपने वो मौका अपने भाई को दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही, सोचा आप जाए या वो, क्या फर्क पड़ता है। उदेशो, क्या पता मैं कनाडा जाता और मेरी भी गाल ना बनती, मैं भी कुछ ना कर पाता और उसकी तरह वापस आ जाता। बस जी बस, अब बंद करो अपने आप को छोटा दिखाना। हाँ, हो गई ना एलर्जी है? जब भी तेरा ये पारा चढ़ता है ना तो एलर्जी हो जाती है। अब सब कुछ भूल जा और अगली जिंदगी शुरू कर। भूल जाऊंगी तो जीऊंगी कैसे? आगे की जिंदगी ही तो संवार के रहनी है मैंने, अपने बच्चों को खुशियां देके रहना है मैंने। उसके लिए मुझे कितने भी जतन क्यों ना करने पड़े, और मैंने शुरुआत करनी है अपनी कुर्बानी से। मम्मी जी, आपको पता है उस पास के जो लोग हैं ना, उन्होंने सबको शरबत पिलाई थी, उनकी छबील की नहीं थी, हमारी छबील से शरबत लिया था, उन्होंने तो हमारी सेवा पूरी की। आप तो खामखा उनसे नाराज हो गए। हुन बस भी करो बीजी, नहीं तो मैं भी रो देना, और फिर तो आनू और बुरा लगना है। लो कर लो गल, तू ना भी रोए ना तो लगता है रो ही रही है, शकल ही ऐसी है तेरी। बीजी तुसी इसनू छड़ो ते अपनी इस वाली पोती के लिए रोना बंद कर दो ना, प्लीज। रो लेंदे पुत्र रो लेंदे, कभी कभी रोने से मन के शीशे पर जमी धूल साफ हो जाती है, और इन आंसुओं का क्या है, ये तो मेरे नाल कब्र तक जाने हैं। लाहौर से अमृतसर आना बहुत आसान था, लेकिन मेरे एक घर से दूसरे घर जाना बहुत मुश्किल होता है। दो दीवार के बीच फासला सिर्फ 2 गज का है, लेकिन उसको पार करने में 22 साल लग गए मैंने, और फासला है ये खत्म ही नहीं होता। पता नहीं ये आंखें बंद होने से पहले अपने जिगर के टुकड़ों को मिलते देखूंगी कि नहीं। पता नहीं ये मर जाने दीवार पहले गिननी है कि मुआ शरीर। वाहे गुरु मेहर कर मेहर। वाहे गुरु को मेहर करनी पड़ेगी बीजी, इस झगड़े को खत्म होना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ सब ठीक हो जाना है। ये दीवार गिरेगी और आपके जीते जी गिरेगी। क्या हुआ बीजी, आपको अपनी कुर्बानी पे भरोसा नहीं है?
ना पुत्र ना, भरोसा तो अपने से ज्यादा है मेरे पुत्र। लेकिन कुर्बानी पुत्र, तो ये सब कैसे करेगी? वो सब आप मेरे पे छोड़ दो। मैं कहा ना बीजी, सब ठीक हो जाना है। तुसी चिंता छोड़ो और अंदर जाके आराम करो। और खबरदार, अगर इन दुश्मनों को अपनी आंखों के आसपास भी आने दिया तो। चलो। ओ बीजी, अपनी लाठी तो ले जाओ। जीवंदर है पुत्र, सियाना हो। चल जसी, बर्तन समेट लेते हैं। आ हैप्पी। चल किरत, हम भी अपने बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं। हमारी छबील का शरबत तो खत्म ही नहीं हुआ। काश हमारी सेवा भी पूरी हो जाती। चल कोई बात नहीं, अगली बार से। ओए, अगली बार नहीं, इसी बार। सूरज ढलने में भी 10-15 मिनट तो है ना। ओए देख क्या रही है, छेती कर। सूरज ढलने से पहले छबील की सेवा पूरी कर लेते हैं। रहने दो, एहसान नहीं चाहिए अपने को किसी का, समझ गए? कोई जरूरत नहीं है गुरबानी दीदी, हमें भी जरूरत नहीं है खामखा कुछ करने की। रहने दे किरत, हम लोगों की मम्मी ने भी तो उन पर एहसान किया था ना, तो उन्हें भी तो हमारी हेल्प करनी चाहिए। अरे क्या हो गया? आपस के झगड़े ना बाद में भी निपटा लेंगे, पर गुरुजी की सेवा करने का मौका इतनी जल्दी दोबारा नहीं मिलेगा। देख क्या रहा है, छेती करना। हैप्पी जैज, चलो छेती। शरबत बचा हुआ है? एक ग्लास है दीदी। पर वो सूरज तो डूबने वाला है। एक मिनट दीदी। ओए, घड़ी में 10 बजे और तेरे चेहरे पे 12। छोड़ ना यार, अभी भी वही अटकी हुई है ना। तू तो जैसे सोच ही नहीं रही ना उस झगड़े के बारे में। अपनी शक्ल देख, मुझसे ज्यादा ना तेरी सुई अटकी पड़ी है वहां पर। ऐसे कैसे लड़ सकते हैं वो लोग छोटे बच्चों की तरह? कोई समझाने वाले नहीं। मूली रची, किसी ने सुन लिया तो नवा स्यापा पहचाना। तो पड़ोसी देश भी ऐसे नहीं लड़ते होंगे। ऐसे देखा जाए ना तो ज्यादा कसूर मेरे पापा जी का है। अगर वो चुप कर जाते ना तो बात इतनी बढ़नी नहीं थी। पर मेरी मम्मी जी को भी तो पुरानी बातें खोद के निकालने की क्या जरूरत थी? अब चाचा जी भी बेचारे कब तक सुनते, उनको भी तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ना था ना। तो जरूरत क्या थी मेरे पापा जी को जवाब देने की? थोड़ी देर अगर कान में रुई डाल के रख लेते तो ताई जी ने तो बोल बाल के चुप कर ही जाना था।
और वैसे भी ताई जी कोई पहली बार थोड़ी ना बोल रहे थे ये सब कुछ। पर मम्मी जी भी कब तक पुराना गुस्सा हम सब पर निकालती रहेंगी, मिट्टी पा देनी चाहिए उनको सारी बातों पर। ना ऐसे कैसे भूल सकती है सब कुछ, भूल सकती है मतलब मेरे मम्मी पापा के कारण सारे सपने टूट गए बेचारी ताई जी के। तो क्या उनका झगड़ा कर लेने से उनके सारे सपने पूरे हो जाने हैं? ओए, है तो आखिर मुन्नी के बच्चे ना, मौका मिलते ही झगड़ा शुरू। ना गल तो तूने एकदम सही कही है, पर ना हमारे और उनके झगड़े में ना बहुत फर्क है। मेरा मतलब हमारे झगड़े में हम दोनों एकदम सही है, पर उनके झगड़े में। ओए, झगड़े में कोई सही गलत नहीं होता, झगड़ा झगड़ा होता है। पहले झगड़ा चाहे जिस मर्जी ने शुरू किया, पर अब ये झगड़ा बंद हो जाना चाहिए बस। इतना भी आसान नहीं है जितना तू कह रही है। पता है, पर अब मैंने इस झगड़े को खत्म करके ही रहना है बस। कैसे? ताई जी के कहने पर किसी एनआरआई से शादी करके? कोई भी एनआरआई आएगा ना, तूने तो उससे शादी के लिए हाँ कर देनी है। चल मान भी ले, तूने उन सबको खुश करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे भी दी, पर इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद झगड़ा खत्म हो ही जाना है? मैंने ना उनके बताए हुए लड़के से ब्याह करने तो पहले ना शर्त रख देनी है, कह देना है कि मेरी डोली तभी उठेगी जब ये दीवार गिरेगी और सब एक साथ मुझे आशीर्वाद देंगे, फिर देखना, फिर सब ठीक हो जाना है, सब पहले जैसा हो जाना है, दिलों की दीवारें टूट जानी है फिर। पर तूने तो हमेशा के लिए दूर चले जाना है ना फिर। पर बाकी सबने तो एक हो जाना है ना। एक ना एक दिन तो हर लड़की को जाना होता है, क्या पता मेरी खुशियां भी किसी एनआरआई के साथ लिखी हूं। हो सकता है कि मेरी किस्मत में भी सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। देख लेना, उस एनआरआई ने परदेश से आना है और मुझे दुल्हन के कपड़ों में डोली में बिठा के हमेशा के लिए ले जाना है अपने साथ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.